आज हम जानेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस को जानने के लिए हमें तीन एलिमेंट की जरूरत रहेगी। एक आपकी रहेगा सब्जेक्ट, एक आपकी रहेगी वर्ब और एक आपकी रहेगा ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के अंदर हम ये तीन एलिमेंट का यूज करके हम सीखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं, हिंदी के जो वाक्य होते हैं, उनका अंत ता है से होता है, ता है, ती है। जैसे एक वर्ब को आप देखिए, जैसे वर्ब हमने लिखी है कि चलाना, भागना, दौड़ना, हिंदी के अंदर ये क्रियाएं हैं। लेकिन प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के अंदर चलाना जो है, इसको चलाता हूं, चलाता हूं, या चलाती हूं, चलाते हैं, चलाता है, तो ता है से इसका अंत होता है, जो कि अगर स्त्री है तो उसके साथ में ती है आ जाता है, चलाती है। पुरुष है तो चलाता है, थर्ड पर्सन, यानी स्वयं है तो चलाता हूं, स्वयं अगर स्त्री है तो चलाती हूं, तो ता है से इसका एंड होता है। भागना के अंदर हम देखेंगे ये हो जाएगा भागता है, वह भागता है। स्त्री है तो वह भागती है। दौड़ना, दौड़ते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए ता हूं, इसके अंदर ता है, इसके अंदर तय है, ते है। तो हिंदी के वाक्यों का अर्थ, हिंदी के वाक्यों का जो अंत होता है वो ताहू से होता है। टेंस को हमेशा ट्रांसलेशन के मेथड से सीखना चाहिए। टेंस को अगर हमने ट्रांसलेशन के मेथड से सीख लिया तो आगे जा करके हमें टेंस अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश सीखेंगे तो ज्यादा सटीक रूप से समझ में आता है। लेकिन शुरुआती तौर के ऊपर जब शुरुआत करते हैं तो हमें ट्रांसलेशन का मेथड, यानी हिंदी और इंग्लिश, जो कि हमारी मातृभाषा हिंदी, तो हिंदी और इंग्लिश का उपयोग करके इसको सीखना चाहिए ताकि इसको सही तरीके से सीख सकें। अब इसके ऊपर कुछ मैं वाक्य बना के दिखाता हूं ताकि आपके ढंग से समझ में आ जाए। वह तेज भागता है, मैं रोज पढ़ता हूं, मैं रोज पढ़ती हूं। मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर हो गया आपके कि हिंदी का जो वाक्य ता है से एंड होता है, ता है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आता है, यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के अंदर लिया जाता है।
अब बात आती है इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो इंग्लिश में तो बड़ा आसान है ये। इंग्लिश में करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब। ये वर्ब मैंने ऊपर अलग से लिखी है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में सेपरेटली आपको समझना होगा। सब्जेक्ट आपको बताते हैं हम कि सब्जेक्ट 9 प्रकार के सब्जेक्ट बनते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 9 सब्जेक्ट बनते हैं। वो 9 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, फिर ही, शी, इट, दे और नाउन सिंगुलर, जिसमें हमने बॉय ले लिया, और नाउन प्लूरल हमने बॉयज ले लिया। ये 9 आपके सब्जेक्ट बनते हैं। इसमें आई और वी को फर्स्ट पर्सन माना जाता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपके आई और वी माने जाते हैं। इसमें आई आपके सिंगुलर होता है, वी आपके प्लूरल कहलाता है, बहुवचन। आई एक वचन फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अगर प्रोनाउन कोई आपसे पूछता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कौन सा है, तो वो आई है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन वी है। यू आपके सेकंड पर्सन प्रोनाउन माना जाता है, ये आपके सिंगुलर भी होता है एज वेल एज इट इज प्लूरल ऑल्सो, ये प्लूरल भी होता है। सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रोनाउन आपके यू माना जाता है। थर्ड पर्सन में आपके ये सारे थर्ड पर्सन के अंदर आ जाते हैं, ही, शी, इट और दे। ही आपके मस्कुलिन माना जाता है, सिंगुलर भी है ये और मस्कुलिन भी है। मस्कुलिन यानी पुरुष, सिंगुलर एक वचन, ये सारे आपके थर्ड पर्सन है। तो हेलो, तो ये आपके ही सिंगुलर है, शी भी आपके सिंगुलर माना जाता है, लेकिन ये फेमिनाइन यानी स्त्री। इट आपके न्यूटर है, ये सिंगुलर माना जाता है। दे आपके प्लूरल माना जाता है, ये सभी का प्लूरल होता है, ही का भी प्लूरल, शी का भी प्लूरल, इट का भी प्लूरल। बॉय और बॉयज हालांकि ये नाउन है, लेकिन ये क्योंकि करीब करीब सिंगुलर नाउन जो है वो आपके इन सिंगुलर प्रोनाउन के जैसा फंक्शन करते हैं, और प्लूरल नाउन जो है वो आपके प्लूरल प्रोनाउन के जैसा फंक्शन करता है, इसलिए इसको इन्हीं के अंदर ही इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये भी आपके थर्ड पर्सन के अंदर ही मान लिए जाते हैं। अब जो मेन बात है वो है कि वर्ब कौन सी आती है। वर्ब आती है आपके फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, जैसे गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, और गॉन आपके थर्ड फॉर्म होती है। ऐसे आपकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो आपके इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। आई के साथ में, अब जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, आई ड्राइव और एक कार, इसके अंदर ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है। आई ड्राइव ए कार, ए कार आपके ऑब्जेक्ट है,
और सब्जेक्ट आपके आई है, वर्ब आपके फर्स्ट फॉर्म में हमने लगा दी है। वी ड्राइव ए कार, यू ड्राइव ए कार। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती ही है, लेकिन इनके साथ में एस या ईएस लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं वर्ब की एस फॉर्म आती है। जैसे ही ड्राइव्स ए कार, अगर आपने ड्राइव लिख दिया तो ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ में भी ड्राइव्स ए कार। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इट ड्राइव्स ए कार। दे प्लूरल, तो इसके साथ में आपको ड्राइव ही लगाना पड़ेगा। बॉय, आपको जैसा कि बताया था कि बॉय थर्ड पर्सन सिंगुलर के ही फंक्शन करता है, तो बॉय के साथ में भी आपके ड्राइव्स आएगा, एस फॉर्म आएगी ए कार। और बॉयज आपके थर्ड पर्सन प्लूरल के जैसा फंक्शन करता है, तो इसके साथ में ड्राइव आएगा, ड्राइव ए कार। तो बात यहां पे जो थी कि वर्ब कौन सी आएगी, इसमें वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखना है। ड्राइव अगर आप कोई और वर्ब यूज करते हो तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में आपको एस फॉर्म लगानी पड़ेगी। अगर आपने एस फॉर्म नहीं लगाई है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसका ट्रांसलेशन हम आपको बताते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है आई ड्राइव ए कार, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मैं एक कार चलाता हूं, मैं एक कार चलाता हूं। और अगर ये लड़की है तो या स्त्री है तो वो कहेगी मैं एक कार चलाती हूं। स्त्री के लिए कोई अलग से प्रोनाउन नहीं बनाया है अंग्रेजों ने। वी का मतलब हम एक कार चलाते हैं, तो चलाते हैं। यू का मतलब तुम से बनाएंगे, तुम एक कार चलाते हो। ही का मतलब वह है, ये वह पुरुष है, वह एक कार चलाता है। ही ड्राइव्स ए कार, वह एक कार चलाता है। शी ड्राइव्स ए कार, वह एक कार चलाती है। इट एक वस्तु है। अब ये कहानियों में वस्तुएं बातें करती है, पहाड़ बादलों से बातें करने लग जाता है। जब पहाड़ जब बादलों से बातें करता है तो वो पर्सनिफिकेशन माना जाता है, उसको पर्सन की तरह लिया जाता है। ऐसे मान लेते हैं कि कोई कुर्सी है या कोई और वस्तु है जो आपस में बात कर रही है या कार चला रही है। तो वह, इट का मतलब वह एक कार चलाता है, अगर वो स्त्रीलिंग में है वो वस्तु तो वह एक कार चलाती है, तो इसको हम ताहे से मान लेते हैं, वह एक कार चलाता है। दे का मतलब वे, ये ग्रुप है, तो वे एक कार चलाते हैं। दे ड्राइव ए कार, वे कार चलाते हैं। बॉय लड़का, बॉय ड्राइव्स ए कार, लड़का एक कार चलाता है। बॉयज ड्राइव ए कार, लड़के एक कार चलाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा, और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप। एक और हम साथ में ले लेते हैं, दूसरा एक एग्जांपल, जैसे वर्ब ले लेते हैं हम। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया थ्रो, ये वर्ब है, थ्रो ए बॉल, ये आपके ऑब्जेक्ट है और ये आपके वर्ब है। इससे हम सेंटेंस बनाएंगे। वर्ब और ऑब्जेक्ट को तो मिटा दिया जाएगा, सब्जेक्ट एज इट इज रहेंगे। अब
अब यहां देखो आप, आई थ्रो, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो थ्रो ही लिखा जाएगा फर्स्ट फॉर्म। आई थ्रो ए बॉल, मैं एक गेंद फेंकता हूं। वी थ्रो ए बॉल, हम एक गेंद फेंकते हैं। यू थ्रो ए बॉल, तुम एक गेंद फेंकते हो। ही थ्रोस, एस लगा दिया हमने। एस क्यों लगाया? यहां पे एस तो हम पहुंच गए थे। ही थ्रोस ए बॉल, वह एक गेंद फेंकता है। इसके अंदर एस फॉर्म आई है, वैसे फर्स्ट फॉर्म आ रही है सभी में, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में एस फॉर्म आएगी। थर्ड पर्सन सिंगुलर शी भी है और इट भी है, तो इनके साथ में भी आपको एस फॉर्म यानी थ्रोस लगाना पड़ेगा। शी थ्रोस ए बॉल, वह एक गेंद फेंकती है। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इट थ्रोस ए बॉल, वह एक गेंद फेंकता है। दे थ्रो, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, ठीक है ना? इतना समझ में आया होगा आपको कि थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में आपको एस फॉर्म नहीं लगानी। दे थ्रो ए बॉल, ये बात आपको याद रखनी है। बॉय थर्ड पर्सन सिंगुलर के जैसा फंक्शन करता है, तो बॉय थ्रोस ए बॉल, और बॉयज थ्रो ए बॉल। अब इनका मीनिंग देख लेते हैं। आई थ्रो ए बॉल, मैं एक गेंद फेंकता हूं। हम वी थ्रो ए बॉल, हम एक गेंद फेंकते हैं। यू थ्रो ए बॉल, तुम एक गेंद फेंकते हो। ही थ्रोज ए बॉल, वह एक गेंद फेंकता है। शी थ्रोज ए बॉल, वह एक गेंद फेंकती है। इट थ्रोज ए बॉल, वह एक गेंद फेंकता है। दे थ्रो अ बॉल, वे एक गेंद फेंकते हैं। बॉय थ्रोज ए बॉल, लड़का एक गेंद फेंकता है। बॉयज थ्रो अ बॉल, लड़के एक गेंद फेंकते हैं। तो ये सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे। ये सारे सेंटेंस आपके पॉजिटिव सेंटेंस थे, इनको पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। यहीं लिख देते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इनका नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस भी होता है। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है ये हम आपको बताते हैं। सब्जेक्ट आपके यही रहेंगे, सब्जेक्ट में आपको कोई बदलाव नहीं करना है अगर आपको ढंग से सीखना है तो। वर्ब ऑब्जेक्ट को हम बदल सकते हैं, हालांकि हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि बदलने से फिर आप जो उनके बीच में कंपैरिजन है वो करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन दैट। नेगेटिव टेंस की एक नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बात ये याद रखो कि हमें नॉट लगाने की जरूरत होती है, एनओटी नॉट, जो कि एक एडवर्ब होती है। नॉट एक एडवर्ब है तो आपको नॉट लगानी होगी, और नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के।
बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट को नहीं लगाया जा सकता है। हमारे पास में कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है, हमारे पास में डू, एक्सक्यूज मी प्लीज सही तरीके से लिखते हैं, बी, डू और हैव, ये तीन हेल्पिंग वर्ब है, इनके रूप है नहीं। बी के रूप है प्रेजेंट में इज, एम, आर, और पास्ट में इसका जो रूप है वो वाज और वर है। डू के प्रेजेंट रूप जो है वो डू और डज है, और इसका जो पास्ट रूप है वो आपके डिड है। ऐसे ही हैव का जो प्रेजेंट रूप है वो आपके हैज और हैव है। एक बात ये याद रखना कि हैव जो है ये मूल रूप है, जैसे बी मूल रूप है इज एम आर वाज वर का, ऐसे ही आपके हैज और हैव में हैव आपके मूल रूप है। तो हैव का जो प्रेजेंट रूप है वो हैज और हैव होता है, और पास्ट रूप आपके हैड होता है। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं इस टेंस के अंदर। इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी, वो आएगी डू या डज। इसमें आएगा डू या डज और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसमें आपको एस फॉर्म नहीं लगानी है। अगर आप एस फॉर्म लगाओगे तो वो तो रॉन्ग है, एस फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हम एक बार ड्राइव्स अ कार वाला एग्जांपल ले लेते हैं। आई के साथ में डू आएगा और नॉट, आई डू नॉट, और ये फर्स्ट फॉर्म ड्राइव ए कार। मैं एक कार नहीं चलाता हूं, ताहूं में आएगा। वी डू नॉट ड्राइव ए कार। यू डू नॉट ड्राइव ए कार। और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट, और जो नाउन सिंगुलर है बॉय, इनके साथ में डज आएगा। ही डज नॉट ड्राइव ए कार, शी डज नॉट ड्राइव ए कार, इट डज नॉट ड्राइव ए कार, दे डू नॉट, दे डू नॉट ड्राइव ए कार। बॉय सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह फंक्शन कर रहा है, तो डज आएगा। डज नॉट ड्राइव ए कार, और बॉयज डू नॉट ड्राइव ए कार। ठीक है, तो इसको जरा समझ लीजिए आप। सब्जेक्ट आपकी यही रहेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, डू नॉट और डज नॉट आएगा, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू नॉट सभी के साथ में आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में सिर्फ, यानी ही शी इट और नाउन सिंगुलर, इनके साथ में डज नॉट आएगा। बाकी आप इसका अर्थ ले लो, आई डू नॉट ड्राइव ए कार, मैं एक कार नहीं चलाता हूं। वी डू नॉट ड्राइव ए कार, हम एक कार नहीं चलाते हैं। यू डू नॉट ड्राइव ए कार, तुम एक कार नहीं चलाते हो। ही डज नॉट ड्राइव ए कार, वह एक कार नहीं चलाता है। शी डज नॉट ड्राइव ए कार, वह एक कार नहीं चलाती है। इट डज नॉट
ड्राइव अ कार, वह कार नहीं चलाती है। दे डू नॉट ड्राइव अ कार, वे कार नहीं चलाते हैं। बॉय डज नॉट ड्राइव अ कार, लड़का एक कार नहीं चलाता है। बॉयज डू नॉट ड्राइव अ कार, लड़के एक कार नहीं चलाते हैं। तो साथियों, ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई, इसमें आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, इसका बनना या इसका क्रिएशन या इसका जो उत्पत्ति जो है, ओरिजिनेशन जिसको बोल सकते हैं, तो इसका ओरिजिन जो हुआ है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए ही हुआ है। इसको और कहीं पे यूज नहीं किया जाता है जनरली, यानी कि इन्फिनिटिव्स है इनको बनाने, इनको छोड़ के तो टेंसेस की बात करते हैं। हम टेंसेस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए यूज किया गया है, और कोई भी टेंस, इस टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस के अलावा कहीं पे यूज नहीं किया जाता, टेंसेस की बात कर रहे हैं। और बाकी देखते हैं, कुछ ग्लिचेस आए थे हमारे वीडियो के अंदर, अगर मान लो वीडियो सही बना है तो बहुत बढ़िया बात है, और वीडियो अगर नहीं सही बना तो देखते हैं कल वापस बनाएंगे। और बहुत निवेदन आपसे, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें बताते जाइए, आप हमें मोटिवेट करते जाइए हमें कमेंट करके कि सर किस प्रकार की हम आपके लिए किस प्रकार की वीडियोस बनाएं। देखिए, हमारे पास में एक अच्छा अनुभव है, बड़ी बात है कहना, हम अपने मुंह से बोलना अच्छी बात नहीं रहती है, लेकिन एक अच्छा अनुभव है हमारे पास में, और एक अच्छी थोरो हमने तैयारी करी है, समय हो चुका है हमें पढ़ाते हुए। तो आप लोगों को क्या कहें, अब मुंह से तारीफ करना ठीक नहीं है, बस इतना है कि आप लोग हमें कमेंट करिए, डेफिनेटली यू विल बी प्रोवाइडेड विद द राइट सॉल्यूशन, एंड एनी टॉपिक यू कैन चूज फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम द ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ, ग्रामर से आप कोई कुछ भी, ग्रामर से आप कुछ भी चूज कीजिए, इंग्लिश लिटरेचर से आप कुछ भी चूज कीजिए, एंड डेफिनेटली आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा हम लोगों सीख रहे हैं, वीडियो बनाना, ऑनेस्ट तरीके से वीडियो बनाना सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा कुछ इतना नहीं, आप जानते ही हो सारी बातें। तो जैसे जैसे टाइम इज, वी विल इम्प्रूव, और बहुत अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगे, कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और जो सीखता है उसे तो जरूर सफलता मिलती है। तो जियो, जीने दो, सबके लिए भला हो, और आप लोग खुश रहो, आप लोगों को बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं, आप लोगों को हम आशीष देते हैं, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए आप, क्योंकि सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब नहीं करोगे और सब्सक्राइब नहीं करवाओगे तो फिर चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा, और ये डिमोरलाइज हो जाएंगे, और आपका कर्तव्य बनता है कि कुछ सब्सक्राइब करके हमें भी आगे थोड़ा सा बढ़ाएं, मोटिवेट करें। इसमें कुछ आपका जाता नहीं है, कुछ हमारा भी, कुछ आपका जाता नहीं है, वही बात है, ये अपने आप में एक दान होता है। खैर, थैंक यू, गुड नाइट। नमस्ते, ये क्या कर रहे हो?